Friends, for the standard year, its size 8B. It's a linear equation. Students, in the previous exercise, we solve linear equation. In this exercise, there are some more problems. First, we make equation for the problem and solve with same process. Example, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. जितना क्वेश्चन को हम रीड करेंगे उतना इजी हमारी इक्वेशन फॉर्मेट होगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर आर इन रेशियो 8:3. इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 143 फाइंड द नंबर. तो नंबर्स गिवन नहीं है, केवल रेशियो दिया है. तो लेट नंबर फर्स्ट लेट नंबर हमने x या y या कोई भी नंबर हमने एक चूज कर लिया. अब रेशियो दिया है 8:3. तो नंबर हो जाएंगे हमारे 8:3 दिया है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8x:3 है, क्योंकि नंबर रेशियो है तो कोई एक कांस्टेंट हमको लेना ही होगा. 8:3 दिया है तो कांस्टेंट लिया है, रेशियो हो गया हमारा 8x+3x. इफ द सम ऑफ नंबर इज 143 कह रहे हैं इनका सम 143 है, लेकिन इनका हम सम कर देंगे होना चाहिए इक्वल 143 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब सिंपल है 8x+3x दैट इज 11x इक्वल टू 143. x इक्वल टू 143 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे आएगा 13. रिक्वायर्ड नंबर्स नंबर्स हैं 8x और 3x. 8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 13 104. 3x 3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 39. इट्स योर आंसर. और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. दिया है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर फाइंड द नंबर. यानी किसी नंबर का 4/5 हम कर देंगे और 10 मोर उसमें 10 मोर करेंगे तो उसी नंबर का 2/3 हो जाएगा. वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट नंबर गिवन नहीं है तो हम नंबर लेंगे लेट द नंबर. एक्स हमने कर अब है 4/5 ऑफ नंबर तो 4/5 ऑफ नंबर 4/5 यानी 4/5 नंबर का 4x/5. अब ये 10 मोर है 2/3 ऑफ द नंबर तो पहले 2/3 नंबर का निकालेंगे. 2/3 ऑफ नंबर 2/3 ये 2/3 हो गया. अब तो कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है ये 4/5 ये 10 मोर है 2/3 से. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशंस दी है 4/5x 2/3x ये 4/5 हो गया ये 2/3 हो गया. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये 4/5 है ये 10 मोर है यानी 10 ज्यादा है. हम सिंबल लगाते हैं इक्वल का यानी ये 10 ज्यादा है तो यहाँ पर हमको 10 प्लस करना होगा. सिंबल इक्वल का है. अब सिंपल प्रोसेस है एक्स वाले टर्म हम एक तरफ करेंगे इक्वल टू 10 एलसीएम 5 3 15 तो फर्स्ट डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड 5 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट 3 15 3 5 5 2x = 10. नेक्स्ट 12x - 10x/15 = 10 लेस करेंगे हमारा आएगा 2x.
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई 10 2x इक्वल टू 150 x इक्वल टू 150 अपॉन 2 दैट इज 75 इट्स योर आंसर। वन मोर एग्जांपल पॉइंट थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर टू समेत 147 हमको थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को निकालना है जिनका सम 147 हो जाए। तो फर्स्ट हालांकि इसमें हिंट भी दिया है फिर भी हम नंबर्स को चूज करते हैं। लेट रिक्वायर थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर टू एक्स प्लस वन कंसेक्यूटिव मीन्स होता है कि स्टेप क्रम में आए जैसे वन टू थ्री ये तो कंसेक्यूटिव हो गया इसमें दिया है ऑड तो और नंबर ही लेना है। नंबर 2x में 1 है 2x प्लस 1 2x प्लस 3 और नेक्स्ट आएगा 2x प्लस 5 क्योंकि आठ नंबर है और नंबर ही लेना है 1, 3, 5। अब जो अकॉर्डिंग टू कोर्स ने जो कंडीशन दी है कि इन तीनों का सम 147 होना चाहिए तो इनका हम सम कर देंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 147। अब सॉल्व करेंगे 2x 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 जो तीनों प्लस के हैं 2 2 4 2 6x देन नंबर 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 दैट इज 9 1 3 4 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 147 6x अब नंबर 1 साइड करेंगे 147 माइनस 9 6x इक्वल टू 130 9 लेस कर देंगे x इक्वल टू 138 अपॉन 6 नंबर हमारा आया 2x ओ सॉरी नंबर x इक्वल टू आया 23। नेक्स्ट अब हम नंबर्स को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई नंबर्स नंबर्स आपका है 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5 इन तीनों में x की वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 43 प्लस 1 दैट इज 47 ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 3 49 सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 43 प्लस 5 51 ये रिक्वायर्ड नंबर आपका आंसर है। स्टूडेंट्स इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 27 क्वेश्चन सो यू कैन सॉल्व फर्स्ट वन क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व अदर एग्जांपल्स थैंक्स।